आगे पहलवान साहब, आगे पहलवान, चढ़ गए, रुक जाओ, रुक जाओ। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैं आया था घेरा में बच्चों को दूध पिलाने के लिए। देखो कैसे घूम रहे हैं चारों तरफ, नेक नेक पी लिया और घूमने लगे फिर से आगे पैर के पास। आज भैया मुझे अकोड़ा भी जाना है, एक राउटर वगैरह इंस्टॉल करना है वहाँ पर, मेरे फ्रेंड की दुकान है अकोड़ा में ऑनलाइन की। तो उसका कल फ़ोन आ रहा था कि भाई आ जाना, मेरे को क्या है दो सिस्टम है मेरे पास और प्रिंटर एक ही है, तो दोनों सिस्टम से एक प्रिंटर चलाना है, मतलब अलग अलग प्रिंटर है एक सिस्टम से कनेक्ट हो जाए, शेयरिंग वाला सिस्टम करना है मुझे जाके, तो इस वजह से आज मुझे जाना पड़ेगा। अब देखते हैं कब निकल पाते हैं। अरे काट क्यों रहा है, देखो। और आज सुबह मैं 5:30 बजे के आसपास जग गया था, उसके बाद मैंने कुछ वीडियोस वगैरह देखी ऐसी लेटे मोबाइल में, फिर यूट्यूब वगैरह पे भी थोड़ा बहुत काम किया क्योंकि मुझे डिस्क्रिप्शन वगैरह चेंज करना था उसका थोड़ा बहुत, तो उसी में लगा हुआ था। फिर मैंने सोचा क्यों ना इनको दूध पिला हूं, तो इसलिए यहां पर आ गया। और भैया अभी घर में आए तो उर्वशी ने कह दिया कमरे की सफाई करो, दिवाली आने वाली है ना इसलिए। A few moments later. दोस्तों अब मैं वीडियो वगैरह बनाने जा रहा हूँ, थोड़ी सोच रहा हूँ कल परसों के लिए बाहर फिर जाना है मुझे, तो कुछ वीडियोस और बना लेता हूँ, शेड्यूल पे लगा दूंगा। और वैसे एक आज और इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड होगी, वैसे सुबह दो वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है मैं सोच रहा हूँ आज की आज अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि जानकारी आप लोगों को देना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है जो कि सी ट्रेड से रिलेटेड होने वाली है। तो अभी घड़ी में 10:30 बज रहे हैं और सोच रहा हूँ वीडियो जल्दी जल्दी बना लेता हूँ, उसके बाद मुझे फिर अकोड़ा के लिए भी निकलना है। 6 hours later. तो भैया 3:15 हो रहे हैं और मैंने अभी तक 4 वीडियोस को शूट कर लिया है, लेकिन उसको एडिट वगैरह अभी नहीं किया है। पहले मुझे जाना है बाजार GST भरवाने के लिए, क्योंकि मेरी GST तो भर रही थी 5-6 महीने से, लेकिन मैंने अभी तक वकील को रुपए नहीं दिए हैं, और सोच रहा हूँ इस बार रुपए का भी हिसाब कर आता हूँ और GST भरवा लेता हूँ इस महीने की। तो पहले तो फ़ोन पे ही भर लेता था, लेकिन इस बार सोच रहा हूँ मैं फ्री हूँ, पहले फ्री नहीं रहता था ज़्यादा, तो इस बार फ्री था मैं, तो मैंने सोचा GST भरवा लेंगे और उसका हिसाब भी कर देंगे जो भी है वकील का। तो ये वीडियोस तो करेंगे आके एडिट, लेकिन इससे पहले अकोड़ा भी जाना है, तो मैं सोच रहा हूँ पहले GST का काम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद अकोड़ा जाते हैं, फिर आके वीडियोस को आराम से एडिट करेंगे। तो 4 वीडियोस मैंने शूट कर ली हैं, चारों को एडिट करके शेड्यूल पे लगा दूंगा रात तक, ताकि एक एक दो दो करके वीडियोस डेली अपलोड होती रहें और लाइव होती रहें। लेकिन ब्लॉग वाले के लिए मुझे लैपटॉप लेके जाना पड़ेगा, ताकि मैं शाम को उसको एडिट कर पाऊँ और अपलोड कर पाऊँ आप लोगों के लिए। तो अब फटाफट निकलते हैं बाजार के लिए और GST भरवाते हैं पहले। ये GST वाली फाइल है, इसको भी रख लेते हैं बैग में। हमारे यहाँ वकील यानी कि CA 1000 रुपये लेता है, अगर आपका कोई भी बिल हो, चाहे 1 बिल हो चाहे 100 बिल हो, 1000 रुपये उसका लेता है फाइल करने का, और अगर आपका नील फाइल करवाना हो आपको तो 500 रुपये लेता है। तो कुछ महीने की मेरी नील थी और कुछ महीने की मेरे बिल वाले थे, जिसके जो कि फाइल हो चुके हैं और अभी 2-3 महीने की मेरे पास डली हैं, क्योंकि मैं 3-3 महीने की फिल करवाता हूँ इसलिए। तो ये वकील के पास GST की फाइल जमा कर दी है और जितना भी पेमेंट वगैरह देना था वो सब दे आए, अब निकलते हैं घर के लिए। ये घर पे आ गए हैं और 4 बज रहे हैं, मतलब 1 घंटे के आसपास मुझे टाइम लग गया, और सत्यम अभी भी एडिटिंग में लगा हुआ है, पीछे आपको दिख रहा होगा वो अपनी वीडियोस की कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ फटाफट निकलते हैं अकोड़ा के लिए, उधर का भी काम निपटाते हैं, फिर आके अपनी वीडियो वगैरह की एडिटिंग करेंगे। तो भैया अभी छत पर जा रहे हैं, क्या है राउटर वगैरह अंदर रखे हैं ऊपर वाले रूम में, राउटर उतार लें और केबलें वगैरह लैन केबल जो हैं उधर पर लगानी है, उनको भी निकाल लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। एक राउटर रखा है। लैन केबल ढूंढनी पड़ेगी कहाँ रखी है। तो ये दूसरा रूम है अपना, केबल ये रखी लैन केबल 5 मीटर, तो 5 मीटर ही ले लेता हूँ, और 2-3 मीटर, 3 मीटर कौन से है। पहले भैया बाइक से जाने का प्रोग्राम था, लेकिन फिर सोचा कि ना गाड़ी से चले जाएँ फोर व्हीलर से, क्योंकि आधा टाइम उधर से रात हो जाएगी। बाइक की चाबी को अंदर रख देते हैं, बाइक भी अंदर रख दी है।
ये आ गई दुकान, ये रही शिवान्या एमपी ऑनलाइन वर्क। नंबर ब्लैक कर दूंगा मैं, नंबर नहीं दिखाऊंगा। जी भैया ऊपर कैमरा लगा हुआ है, ये कौन सा था? सीपी प्लस, सीपी प्लस का कैमरा था, ये भी हमने लगाया था ऊपर, दिख रहा होगा। और हमने 15 दिन की रिकॉर्डिंग कही थी, इसमें एक महीने की हो रही है आज तक रिकॉर्ड है जब से हमने कैमरा लगाया डेढ़ महीने की हो रही है। कल की वीडियो में तुम दिख जाओगे। अभी 7 बजने वाले हैं और ये मैंने लाइट जला दी ताकि मैं दिखने लगूँ। निकल रहे हैं घर के लिए, इधर का काम खत्म हो चुका है, तो लाइट बंद कर देते हैं, ये बाहर का नहीं दिखेगा। तो ये 7:15 हो रहे हैं और अपन घर पे आ चुके हैं। सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि अब कुछ करने के लिए है नहीं है, बस एडिटिंग वगैरह करना है क्योंकि कल सुबह निकलना भी है। तो भैया अगर ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।